हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जीमेल पे एक ईमेल आईडी कैसे बनाएं या ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं। आज के डेट में ईमेल आईडी सबके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर एक पर्पज़ जो कोई भी आप काम करने जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, हर जगह आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। तो उसे कैसे बनाएं, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वेब ब्राउज़र खोलना है। वेब ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ एक एड्रेस बार दिखाई देगा। एड्रेस बार को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये वो पोर्शन है जो एड्रेस बार कहलाता है। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। ये वो क्या टाइप करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है www.gmail.com। तो चलिए हम टाइप करते हैं www.gmail.com। चूँकि अगर आपको नहीं पता कि जीमेल क्या है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। gmail.com टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक जीमेल का होम पेज दिखाई देगा। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मोर ऑप्शन। यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिख रहा है। आपको ईमेल नई ईमेल आईडी बनाने के लिए इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आइए सबसे पहले हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इसके अंदर एक क्रिएट अकाउंट नाम का लिंक है, आपको उसके बाद इस पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें कुछ आपको अपनी एंट्रीज फिल करनी है, जैसे आपकी डिटेल्स। ईमेल आईडी बनाने से पहले आपके पास आपकी एक डिटेल होनी चाहिए कि किसके लिए ईमेल बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। सपोज़ मैं अपना नाम यहाँ पे भर देता हूँ, अश्विनी। यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भरना होता है, तो चलिए मैं उसे ही फिल कर लेता हूँ। फिर आपको एक ईमेल आईडी चुननी है। ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए कि जो इससे पहले किसी ने अलॉट ना किया हो, क्योंकि ईमेल आईडी हर एक इंसान की यूनिक होती है। जैसे आपके घर का एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ईमेल आईडी भी यूनिक होती है। तो ईमेल आईडी चुनते समय अगर आप कोई ईमेल आईडी चुनते हैं और यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं आता, मतलब रेड कलर का मार्क्स नहीं आता, इसका मतलब वो ईमेल आईडी पहले से किसी ने लिया नहीं है और वो आपको अलॉट हो सकता है। चलिए मैं एक ईमेल आईडी आपको पुरानी अपनी डाल के दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम आती है। अश्विनी बीटेक, और आपने जब इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि द यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। मीन्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए आपके ईमेल आईडी बनाते समय। तो चलिए मैं दूसरा ईमेल आईडी चुन लेता हूँ, और मैं यहाँ डालता हूँ quizduniya@gmail.com। फिर आपको एक पासवर्ड चुनना होगा जो कि उस ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए यूज़ होगा। चलिए मैं अपना पासवर्ड देख लेता हूँ क्या ना। मुझे पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई उसको ब्रेक ना कर सके। जैसे कि यहाँ लिखा है मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। आप ज़रा ध्यान से देखें इसको, एक इंस्ट्रक्शन को, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। चलिए तो मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। देखिए ये पासवर्ड स्ट्रेंथ जो दे रहा है, फेयर दे रहा है, मीन्स ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं एक दूसरा पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ आपको। हो सकता है वहाँ पे आपको पासवर्ड स्ट्रेंथ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पासवर्ड चुना है वो कितना स्ट्रांग है या वीक है, यानी उसको कोई ब्रेक कर सकता है या नहीं ब्रेक कर सकता है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, सेम पासवर्ड आपको दोबारा टाइप करना है जो आपने इससे पहले टाइप किया। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप चुन सकते हैं। इसके बाद आप क्या है, मेल फीमेल आपको जेंडर चुनना है। उसके बाद आपको एक
ईमेल नंबर देना है। चलिए मैं अपना ईमेल नंबर देता हूँ। याद रखिए, आपको वो ईमेल देते समय आप वो फ़ोन आपके पास हो तो अच्छी बात है, क्योंकि गूगल वाले जीमेल वाले से वेरीफाई करते हैं कि ये योर करंट ईमेल एड्रेस। आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो हम इंडिया चुन लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक बॉक्स आ रहा है, और इस बॉक्स में आपको नीचे आएंगे आप तो आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिए, आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलिए अब हम अब आई एग्री बटन पे क्लिक कर देते हैं। कुछ आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूँ। देखिए, हमारी ईमेल आईडी बन गई, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू जीमेल। देखिए तो ये वाला बटन जो है, आपको यहाँ से क्लिक करके आप सबसे सीधे अपने जीमेल के इनबॉक्स में लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे आ रहा है डू यू वॉन्ट टू रिमेंबर योर पासवर्ड। देखिए, कभी भी आप अगर किसी साइबर कैफे में अपना ईमेल आईडी बनाएं तो कभी भी सेव बटन पे क्लिक ना करें, क्योंकि वो वेब ब्राउज़र आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को सेव कर लेगा। इससे एक नुकसान ये होगा कि कोई भी आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से किसी दूसरे को ईमेल कर सकता है। तो आप अगर अपने कंप्यूटर पे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं साइबर कैफे में हैं तो आप हमेशा यहाँ पे नेवर बटन पे क्लिक करें, नियर बटन पर क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू टू जीमेल कर लीजिए। ऐसा करते ही आपका ईमेल अकाउंट बन गया है, और आप अपने जीमेल के इनबॉक्स में लॉगिन होने जा रहे हैं। बस देखिए, बस लॉगिन हो गया आपका। यहाँ पे कुछ आपको एक मैसेज मिलेगा वेलकम का। चलिए, अब आइए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बन गई। आप चाहें तो बाकी जो भी काम करना चाहते हैं, किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप मेल भेज सकते हैं कंपोज बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको ईमेल सेंड करना नहीं आता है तो आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं जो मैं पहले बना चुका हूँ। अब आइए, आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ। जब आप ईमेल अकाउंट अगर आपका बन गया और आप इसको सिस्टम को क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ए का जो सिंबल बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे हो सकता है आपको फ़ोटो लगी हो आपकी फ्यूचर में, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। और इस बटन पे क्लिक करते ही आपको एक नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, और इसमें ये साइन आउट बटन पे क्लिक करना आप अनिवार्य है, क्योंकि साइन आउट बटन पे क्लिक करते ही आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे, और इससे आपका कोई भी आपके अकाउंट को दोबारा लॉग इन नहीं कर पाएगा जब तक कि वो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ना जानता हो। चलिए, मैं साइन आउट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, हम साइन आउट हो गए। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।